बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है सानोरेटा। जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी, या फिर एक छोटी सी लाइन, होली कब है। आई एम श्योर मेरी तरह आपने भी ना ये सारे फिल्मी डायलॉग अपनी रियल लाइफ में जरूर इस्तेमाल किए होंगे, क्योंकि ये फिल्मों के डायलॉग्स की पावर होती है, जिनकी वजह से हमें फिल्में याद रहती हैं, एक्टर्स याद रहते हैं। और आज हमारे खास मेहमान पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में वही है जिन्होंने बहुत सारे एंटरटेनमेंट कंटेंट को, सीरीज को डायलॉग्स दिए हैं जिनको आप और हम सराह रहे हैं। बात कर रही हूँ करण व्यास की, जो इस वक्त हमारे साथ है, जिन्होंने अभी हाल में ही उनकी सास बहू फ्लेमिंगो रिलीज हुई है, बहुत लोग उसे पसंद कर रहे हैं इंक्लूडिंग मी। तो ढेर सारी बातें ऑफ कोर्स हम करण से करेंगे, लेकिन सबसे पहले करण, बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, मुझे आपके शो पे बुलाने के लिए। द प्लेजर इज ऑल आज, और क्योंकि हम सीरियल्स देखते हैं, फिल्में देखते हैं, सीरीज देखते हैं, बट और हम पसंद करते हैं उनके डायलॉग्स को। जैसे मैंने कहा ना, हम ये डायलॉग्स रिपीट भी करते हैं लाइफ में, बट जिन्होंने वो लिखे होते हैं उनसे रूबरू होने का मौका रोज नहीं मिलता। सो द प्लेजर इज ऑल आज एक्चुअली। हाँ, मैं कभी कभी ऐसा ट्राई करता हूँ मेरी वाइफ के साथ अपने ही डायलॉग बोलने का, और मुझे बहुत डांट पड़ती है। तो उनको आप उनके डायलॉग्स भी दिया कीजिए ना। हाँ, मेरे को अभी वही शुरू करना पड़ेगा, तो वही हो रहा है। पर मजा आता है मुझे मेरे काम से। मैं जितना भी काम किया है, अभी तो मैंने सिर्फ शुरुआत की है। मैंने स्कैम से शुरुआत की थी, अभी सास बहू फ्लेमिंगो आया है, अभी हाल ही में एक स्कूप करके शो भी आया है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उसके भी संवाद मैंने लिखे हैं। तो वो मुझे एक्चुअली बहुत ही मजा आता है मेरे काम में, क्योंकि बहुत सारे ओटीटी में क्या होता है कि फिल्मों की बात करें तो फिल्मों में गिने चुने किरदार होते हैं। एक हीरो होता है, एक हीरोइन होता है, विलन होते हैं, माँ बाप होते हैं, मतलब 8-10 किरदारों के बीच में मतलब फिल्में चल समेट दी जाते। जाती हैं। हाँ हाँ, चल जाती हैं। जबकि ओटीटी में ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारे किरदार होते हैं, 6-6, 7-7, 8-8 घंटे का कंटेंट होता है। जैसे सास बहू फ्लेमिंगो की बात करो तो जो मुख्य किरदार है वही 8 है, उसके बाद बाकी के 20-25 और कैरेक्टर है। पुलिस वाले हो गए, गुंडे हो गए, ये हो गए, वो हो गए, छोटे छोटे कैरेक्टर। इवन एक जो हवलदार है, वो जो बोलता है कि हमारे उधर पाब्लो एस्कोबार नहीं मिलता, पाब्लो चोकोबार मिलता है, आप किसकी बात कर रहे हो। तो ऐसे छोटे छोटे किरदारों के भी संवाद लिखने में बहुत मजा आता है, क्योंकि एक बार तुम्हारे पास जब स्क्रिप्ट आती है तो स्क्रिप्ट में तो काफी सारी चीजें मेंशन होती है, पर जैसे ही आप उन सारे किरदारों के डायलॉग लिखना शुरू कर देते हो ना, वो सारे किरदार जैसे आपके आंखों के सामने थोड़े जीवंत हो जाते हैं। बिल्कुल। वन तो कारण बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि जैसे आपने कहा ना, एक स्क्रिप्ट होती है जिसमें होलिस्टिकली पता है कि भाई कहानी ऐसा कहना चाह रही है। तो मान लीजिए स्क्रिप्ट हो गया दिल, लेकिन जो डायलॉग्स हैं वो उस कंटेंट की धड़कन है जिसको लोग सुनते हैं। इनफैक्ट मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से कल बात कर रही थी, आई वाज टेलिंग हर, उसने मुझे बोला कि ये सीरीज में देखूं, एंड देन व्हेन आई टोल्ड हर कि मैं जो डायलॉग राइटर है उनको इंटरव्यू कर रही हूँ, तो शी शेयर्ड समथिंग कि मैंने ना ये रिवर्स कर करके डायलॉग्स वापस से सुने हैं, बिकॉज से दे वो सो रिलेटेबल एंड ऑथेंटिक कि मतलब ऐसा लग रहा था, मतलब सीटी बजानी आती तो सीटी बजा देते। तो हाउ डू यू मैनेज टू ऐड दैट फ्लेवर? मेरा बहुत एक सिंपल सा प्रोसेस है। मैं एक डायरी लेता हूँ और डायरी में सारे किरदारों के नाम लिख देता हूँ, और उसके बाजू में उनकी पसंद नापसंद ऐसी 5-6 चीजें, बल्कि वो उनका बिहेवियर कैसा होगा, अगर कैरेक्टर में आत्मविश्वास है या नहीं है, या कम आत्मविश्वास है, या जो कैरेक्टर है वो मतलब सुलझा हुआ है या उलझा हुआ है, वैसी बहुत सारी चीजें मैं डायरी में उस कैरेक्टर के बाजू में लिख देता हूँ, एक लिस्ट बना के। और जब भी मैं वो उस एक सीन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ कभी इस सीन में डायलॉग लिखने हैं, तो मुझे पता है कि इस सीन में ये दो किरदार हैं, एक सुलझा हुआ है, एक उलझा हुआ है, तो ये सुलझा हुआ किरदार एक उलझे हुए किरदार से कैसे बात करेगा, या वो सवाल कैसे पूछेगा, उसका जवाब वो सामने वाला कैसे देगा। तो वो जो सारी चीजें है ना, वो मैं अपने सामने रखता हूँ, तो और वो जो एक कंसिस्टेंसी होती है कि तुमको पता है कि ये कैरेक्टर ऐसा है, ये इंसान वैसा है, क्योंकि मैं कैरेक्टर को एक इंसान के जैसे ही देखता हूँ, तो अगर वो कंसिस्टेंसी आपको मिल जाती है थ्रू आउट,
सात एपिसोड, आठ एपिसोड या छह एपिसोड में, तो वो जो कैरेक्टर है ना वो रियल लगने लगता है, वो थोड़ा ज्यादा ही जिंदा लगने लगता है, और उसकी ऑथेंटिसिटी काफी लाइक जनता के लिए, मतलब दर्शकों के लिए उसकी ऑथेंटिसिटी काफी बढ़ जाती अगर वो, और उसका एक एक जर्नी भी होता है इंटरनल, के पहले एपिसोड में शायद वो डाउटफुल था, या जैसे बात कर रहा हूँ कि कुछ कुछ कैरेक्टर उलझे हुए थे, तो धीरे 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 वो उनकी जो उलझन है वो सुलझ रही है या नहीं सुलझ रही है, कुछ का उल्टा होता है, कुछ सुलझे हुए किरदार होते हैं वो कहानी में इतने ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे होते हैं कि वो अंत तक शायद उलझ के रह जाते हैं, अच्छे लोग बुरे बन जाते हैं, बुरे लोगों का जर्नी अच्छा हो जाता है, तो वो जो सारी चीजें ध्यान में रख के मैं अपना एक थोड़ा होमवर्क करके बनाता हूँ, और फिर समझता हूँ, जैसे सास बहू फ्लेमिंगो में डिंपल कपाड़िया का कैरेक्टर, तो मैं जानता हूँ कि शायद वो मैं गुजराती हूँ तो मैं गुजराती में ऐसा बोलते हैं कि वो भणेली नदी गणेली जे, उसका मतलब ये होता है कि शायद शायद पढ़ाई नहीं की है पर जिंदगी बहुत देखी है, हाँ मतलब वो द लर्निंग कम्स फ्रॉम द लाइफ, तो उस टाइप का किरदार है, तो अगर उस टाइप का किरदार होगा ना तो वो मतलब वो जो होती है ना कि जब बड़ों ने कुछ कहावतें की हुई हुई होती हैं या कहीं कहीं सुनाई बातें होती हैं, जो लर्निंग होती है वो बहुत सारी मतलब अपने आसपास के माहौल में से पकड़ के बहुत सारी चीजें वो उनके संवाद में आ जाती, जबकि कोई इंसान पढ़ा लिखा होगा तो मतलब उसका कोई आइडल होगा, जैसे किसी के महात्मा गांधी होते हैं, किसी के मतलब नेल्सन मंडेला होते हैं, कोई आईटी वाला है तो बोलेगा करे मैं तो स्टीव जॉब्स का फैन हूँ, या तो कोई बिजनेस वाला होगा तो बोलेगा वॉरेन बफेट का फैन हूँ, जो पढ़े लिखे होते हैं उनके भी एक तरीके के आइडल होते हैं, तो उनकी सोच और उनकी विचारधारा है उनके वो आसपास के माहौल से बनती है, तो वो लोग उनकी जैसी बातें करने लगते हैं सबकॉन्शियसली, बट तो इज इन वैसे दिस लाइक अ सबका मेज ऑल्सो, जैसे आप डायलॉग्स लिखना शुरू कर रहे हैं, एक तो जैसे आपने लेसे सास बहू फ्लेमिंगो का एग्जांपल लेते हैं, आठ तो मेन किरदार हैं, फिर सपोर्टिंग कास्ट है, फिर शायद कोई एक सीन वाला एक्टर है तो डायलॉग तो उसका भी होगा। तो क्या ये भूल भुलैया जैसा नहीं बन जाता? एक तो ये सिचुएशन, एड टू इट आजकल एक नया कॉन्सेप्ट जो आ गया है लेयरिंग का, कि पहले क्या होता था, जो एक्टर या एक्ट्रेस है वो ब्लैक एंड व्हाइट और ग्रे शेड है, बस ये इतने शेड होते थे। लेकिन अभी क्या आ गया, लेयरिंग होने लगी है कि एक किरदार में काफी लेयरिंग है। जैसे ये यहाँ पर जो कपिल जिन्होंने जो का जो किरदार है, इसी कैरेक्टर में कितनी लेयरिंग है, कहाँ से शुरू हुआ, एंड में कैसे खत्म होता है। सो करण, आई वॉन्ट टू आस्क यू कि ये जो मेज वाला कॉन्सेप्ट होता है, ये एज अ डायलॉग राइटर यार कैसे अपने दिमाग को सारे स्विच कंट्रोल करके रखते हो? नहीं, मैं इसीलिए बोला ना कि वो मेरे पास भी एक डायरी रहती है, जो मेरा वो मैप होता है वो मेज में से निकलने का, तो मेरे को भी मैप खुला रखना पड़ता है कि ये कैरेक्टर कहाँ से लेके कहाँ जा रहा है, मैं अपना काफी सारा होमवर्क करता हूँ, और मैंने ना आप जो बोल रहे हो ना लेयरिंग, तो मैंने अपने दिमाग में ना एक चीज बिठा के रखती है, जैसे आप कोई भी पेंटिंग करते हो तो यूजुअली जो पेपर जो कैनवस होता है वो व्हाइट कलर का होता है ना, उस पे ही पेंटिंग करते हो यूजुअली, अगर आप कुछ बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी या कुछ अलग कर रहे हो तो मतलब कुछ भी कलर का हो सकता है, किसी भी चीज पे कर सकते हो, पर यूजुअली वो जो कैनवस होता है वो व्हाइट कलर का होता है, तो मैं जब भी शुरू करता हूं तो मैंने अपने दिमाग में बिठा लिया है कि मेरे कैरेक्टर का जो कैनवस है ना हमेशा ग्रे रहेगा, कि कोई भी इंसान है ना ना ब्लैक होता है ना व्हाइट होता है, हमेशा ग्रे होता है, अभी वो शेड ऑफ द ग्रे कितना कम ज्यादा है वो मैं समझने की कोशिश करता हूँ, मेरा शुरुआती पॉइंट वही होता है, तो एक तो मेरा हो गया मैप जो मेरा होमवर्क है जो मेरी डायरी में मैं फिजिकली लिख के रखता हूँ, और दूसरा हो गया कि ये एक सर्टन सिंप्लिसिटी कि यार ना तो ये कैरेक्टर हीरो है ना तो ये विलन है ना, वो अपनी कहानी का अपने कैरेक्टर ट्रेजेडी ट्रेजेक्टरी का तो हीरो ही है,
हाँ तो अगर मतलब मैं अगर मिस्टर इंडिया भी बना रहा हूँ तो अगर आप मुगेम्बो के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो अपनी कहानी का हीरो है, बिल्कुल बिल्कुल या अगर आप शोले देख रहे हो तो शोले वो अपनी कहानी का अपने सीन का तो वो हीरो ही है गब्बर। तो करेक्ट वो मैं उसी तरीके से देखता हूँ, जबकि जैसे मुगेम्बो और गब्बर तो काफी ब्लैक एंड व्हाइट टाइप के कैरेक्टर हो गए कि ब्लैक ब्लैक ही हैं। ओटीटी में ऐसा अभी इतना रहा नहीं है, जैसे कि सास बहू फ्लेमिंगो में वो दीपक डोबरियल का कैरेक्टर है थोड़ा डार्क 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 शेड ऑफ ग्रे है, पर उसमें भी एक है कि मतलब वो मतलब खाना नहीं खाता है, खुद को ही गिल्ट में डुबा के रखता है, खुद पे ही मतलब लोगों पे अत्याचार करने से पहले वो खुद पे ही अत्याचार करना शुरू कर देता है, सामने हिंसा करने से पहले अपने ही शरीर पे हिंसा करना शुरू कर देता है। तो वो है एक एक जो आप जो डेप्थ और लेयरिंग जो बोल रहे हो, हर और वो गिविंग क्रेडिट तो जिन्होंने भी स्क्रिप्ट लिखी है, स्क्रीन प्ले राइटर्स है, वो भी हमको काफी हद तक देते हैं, क्योंकि हम सारी स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो हमको पता होता है कि हाँ ये किरदार कुछ इस टाइप का तो है, समझ में तो आ रहा है। कभी कभी हमारा क्या होता है कि एक हमको डमी इंग्लिश में डायलॉग भी मिलते हैं, हाँ, तो वो उससे भी थोड़ा बहुत चीजें समझ में आती रहती हैं, वो जरूरी नहीं होता कि वही वो सारे इंग्लिश डायलॉग को हम रिटेन करें करेक्ट या करेक्ट उसी को ट्रांसलेट कर लें। ये तो वो वो क्लास वर्क हो गया ना, जिसे स्कूल में टीचर हमें बोलती थी कि ये मैंने पढ़ा दिया है, और फिर एक होमवर्क होता था जिसमें बच्चे की अपनी मेहनत होती है। तो ये जो आपने मुझे बोला, ये तो वो क्लास वर्क आपका हो गया, जहाँ इंग्लिश में लेट्स से आपको डायलॉग मिले, बट इसको अलग अलग तरह से नैरेटिव में बिठाना, जैसे कि अगर मैं स्कैम 92 की बात करूं, उसका जो बैकग्राउंड था गुजराती था, एज यू सेड योर गुजराती, तो शायद वो डायलेक्ट बिठाना उतना आपके लिए चैलेंजिंग नहीं रहा होगा। लेट्स टॉक अबाउट सास बहू फ्लेमिंगो, जो राजस्थानी है, सो टू अंडरस्टैंड दैट तो नुआंस, की ऐसा नहीं है कि आपका कैरेक्टर अमेरिका में रह रहा है एंड वो बीच बीच में कोई एक राजस्थानी का वर्ड यूज कर रहा है, ये है वही। सो हाउ डिड यू डू दैट? देखो, तो उसमें भी प्रोसेस होता है। जैसे मेरे को नहीं आती मारवाड़ी डायलेक्ट जो है, मेरे को नहीं आती। अभी आइडिया ये था कि हमको ये जो पूरी जो दुनिया है ना उसको कमिट नहीं करना था किसी जियोग्राफिक लोकेशन से, ये गुजरात है या राजस्थान है या एमपी है या क्या है मतलब हरियाणा है, हमको किधर भी उसको कमिट नहीं करना था। हम हमारा कमिटमेंट इतना था कि ये एक एक इस टाइप का एक हवेली है जहां से ये चल रहा है, और उसके एक साइड शायद पानी है और एक साइड रेगिस्तान है, क्योंकि ये बहुत ही फिक्टिशियस दुनिया है, बहुत ही मतलब फेरी टेल सा मतलब एक दुनिया है, तो हमने इसलिए सब उसी टाइप का रखा था कि मतलब रण प्रदेश है, रण प्रदेश जैसी कोई जगह है हिंदुस्तान में है ही नहीं। जैसे रुंज नाम का डिस्ट्रिक्ट है तो रुंज नाम का डिस्ट्रिक्ट कहीं है ही नहीं, तो वो हम काफी पहले से ही मतलब जब लिखने का शुरुआत किया था तो हम हमारे दिमाग में क्लियर था कि मतलब जैसे बाहुबली का भी देखो तो माहिष्मति जैसी जगह कहीं हिस्ट्री में है ही नहीं, करेक्ट तो वो हमारा वैसा ही था कि मतलब ये रुंज ये रण प्रदेश एग्जिस्ट नहीं करते पर उसकी एक सर्टन जियोग्राफी है कि मतलब इस टाइप का होगा। फिर जब मैंने शुरू में डायलॉग लिखे थे तो हिंदी में ही लिखे थे नॉर्मल, पर कभी कभी क्या होता है कि मतलब फिर है ना तुम्हारा वो जगह से थोड़ा एसोसिएशन थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाता है, अगर क्योंकि ओटीटी स्पेस में अगर आप वो थोड़ा ऑथेंटिक टच नहीं डालते, वो तड़का नहीं डालते ऑथेंटिसिटी का, बिल्कुल तो फिर रीडिंग के टाइम पे और रीडिंग से जस्ट थोड़ा पहले हमारे जो एसोसिएट है विक्रम डावर और जो निर्देशक है होमी अदा जाने, उनको लगा कि क्या हम इसको थोड़ा एक मारवाड़ी डायलेक्ट दे सकते हैं, तो मैंने बोला मैं गुजराती हूँ, मैं गुजराती तो आराम से दे पाऊंगा, मारवाड़ी में थोड़ा दिक्कत है। तो हमने एक एक्सटर्नल एक डायलेक्ट कोच को हायर किया था, तो उन्होंने संवाद में भी हेल्प किया और उन्होंने, मैं माफी चाहता हूँ मैं उनका नाम भूल रहा हूँ अभी इस वक्त, पर उन्होंने क्योंकि मैंने ज्यादा काम नहीं किया है, वो विक्रम डावर ने उनके साथ सबसे ज्यादा काम किया है, तो वो एक्चुअली वो जो डायलेक्ट के पीछे जो श्रेय है ना वो एसोसिएट डायरेक्टर और डायरेक्टर का जाता है कि उन्होंने एक कॉल लिया कि हमको मारवाड़ी एक एक डायलेक्ट रखना है किरदारों में,
तो उन्होंने क्या किया, वो वही सेम लाइन वही संवाद, अगर एक उस प्रदेश का किरदार बोलता तो कैसे बोलता। करेक्ट, तो वो एक उनके साथ सारे एक्टर के साथ रिहर्सल हुआ, और रिहर्सल के साथ सारे एक्टरों ने वो अपनी अपनी लाइन उस हिसाब से मॉडिफाइड की, और वो उस हिसाब से उन्होंने याद रखी। वो जो डायलेक्ट का जो श्रेय है ना, वो सबसे ज्यादा वो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर और डायरेक्टर और एक्टरों को जाता है, वो श्रेय मैं नहीं ले सकता। जबकि कुछ कुछ किरदार है जो वो नॉर्मल हिंदी बोल रहे हैं, जैसे प्रोशुन है जो इंस्पेक्टर है या उनकी बीवी है, जो दो लड़के आए हैं जो अमेरिका से आए हैं, वो उनका इतना थिक डायलेक्ट नहीं है, तो वो तो सेम जो मैंने लाइन लिखी थी वैसे ही वो बोल रहे हैं बाकी सारे कैरेक्टर। जैसे दीपक डोबरियाल का भी कैरेक्टर है, उसका भी कोई डायलेक्ट नहीं। और जो मेन जो घर के जो मेंबर्स थे, उन्होंने खुद वो सारे एक्टरों ने, इवन डिम्पल मैम वर्क रियली हार्ड ऑन इट एंड शी वुड रिहर्स विद एवरी वन ऑल द सीन्स। मतलब मैं एक बार सेट पे गया था तो 4 दिन बाद जो सीन शूट होने वाला था वो उनको मुंह जुबानी था, तो वो मेरे साथ रिहर्सल करने लगी और बोला मैडम आप रिहर्सल करके आइए, मैं नहीं, भले मैंने लिखे हैं लाइन पर मुझे याद नहीं है। तो वो उनको मुंह जुबानी याद थे, पूरा 4-5 पेज का सीन था और मैं तो स्क्रिप्ट देख के पढ़ रहा था। तो वो इतना अच्छा, बट मैटर, नाउ इट्स देयर, आ गया है, रिलीज हो गया है, पीपल आर वाचिंग इट, स्कूप भी लोगों ने अब देखना शुरू कर दिया है, स्कैम 92 ऑफ कोर्स इट्स बिकम अ माइलस्टोन. तो रिव्यूज जब आते हैं, लोग कहते हैं अरे बड़ी अच्छी एक्टिंग है, बड़ी अच्छी स्टोरी है, डायलॉग्स जैसे मैंने कहा बड़े इंटेग्रल हो जाते हैं कि फिल्म आके चली गई है, लेकिन आज भी हम बैठ के कह रहे हैं होली कब है. सो हाउ डज इट फील एज अ डायलॉग राइटर जब आपका लिखा कोई काम है और उसको लोग याद रखते हैं? इट फील्स रियली गुड एंड मैजिकल एंड सरियल। लाइक वो जब भी मैं रिव्यूज पढ़ता हूँ, और पहले क्या होता था, जैसे मैं 2017 की बात कर रहा हूँ जब हमारी गुजराती फिल्म आई थी, तो मतलब वो ट्रेडिशनल न्यूज़पेपर और रिव्यूज में ही आता था। अभी वो इंस्टाग्राम पे इतना सब कुछ हो रहा है, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूब पे आता है, ट्विटर पे मतलब ट्वीट्स आनी इतनी शुरू हो जाती हैं, लोग आपको टैग करते हैं, इंस्टा स्टोरीज में टैग करते हैं, तो मतलब वो कभी कभी सरियल हो जाता है और समझ में नहीं आता क्या है। मतलब स्कैम के टाइम पे, मतलब आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस दैट फीलिंग के, मतलब मेरे लिखे कुछ कुछ डायलॉग की टी शर्ट्स देखी थी मैंने के, रिस्क है तो इश्क है, मैं हिस्ट्री बनाना चाहता हूँ, लोचा लफड़ा, जलेबी फाफड़ा, ऑल दोस थिंग्स का, मतलब किसी ने मेरे को मेरे एक दोस्त ने मेरे को गिफ्ट भी भेजी थी एक टी शर्ट मेरे ही डायलॉग वाली। तो वो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। मतलब जब जब गली बॉय करके एक फिल्म आई थी, तब वो एक टी शर्ट बहुत पॉपुलर हुई थी, अपना टाइम अपना आएगा, टाइम बहुत सारे आएगा. लोग हाँ टी शर्ट पहनते, तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ यार मतलब क्या लाइन है ना, मतलब इतना सिंपल लाइन है, अपना टाइम आएगा, एंड इट केम फ्रॉम जावेद साहब, सो मतलब उतना सरप्राइजिंग नहीं था। तो वो तो जब ऐसा थोड़ा टाइप का फिनोमिना स्कैम के साथ हुआ, तो मैं थोड़ा मतलब तभी ऐसा हो महसूस हुआ जाता अपना है टाइम ऐसा आ रहा है. शायद 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 वैसा महसूस हुआ कि अपना टाइम आ सो गया। करण, हाउ डिड द जर्नी स्टार्ट? मतलब मैं ये समझना चाह रही हूँ, बिकॉज जिसे जो एक्टिंग इंडस्ट्री में या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लोग होते हैं, ज्यादातर लोग बोलते हैं अरे बचपन से सपना था, फिल्मों में काम करना है, एक्टर बनना है, छोटे शहर से आए. एक डायलॉग राइटर, आप वॉज इट योर ड्रीम टू ऑलवेज बिकम अ डायलॉग राइटर? एंड इफ सो, तो यार कैसे शुरुआती, मतलब आप क्लास में जब अपने आंसर्स भी लिखते थे तो रियल आंसर लिखते थे कि डायलॉग लिख के पास हो गए? नहीं, मैं वो हूँ जिसने कभी कहानी लिखी नहीं, पर मैं स्कूल में कहानी सुनाता बहुत था, फ्री अच्छा. पीरियड में, रिसेस में, मतलब एज अर्ली एज, मेरे कुछ दोस्तों को बहुत ज्यादा याद है, मेरे मेरे स्कूल के जो मित्र हैं वो अभी भी मेरे मित्र हैं। तो वो लोग सुनाते थे कि मतलब हाँ मतलब तो 6th स्टैंडर्ड में 7th स्टैंडर्ड बहुत पकाता था ऐसा कुछ भी कहानियां सुना सुना के। तो वहां से जर्नी शुरू हो गई थी। मैं उसका पूरा श्रेय मेरे मेरे जो फादर है ना, वो हमेशा बोलते थे कि यार मेरे को कोई व्यसन नहीं है, मतलब ना मैं चाय पीता हूँ, कॉफी पीता हूँ, ना सिगरेट पीता हूँ, ना मतलब अल्कोहल लेता हूँ। उनको एक ही चीज का शौक था या व्यसन था, वो था फिल्में देखने का। ओके
तो वो मतलब बचपन से वो उनको खुद से इतना शौक था, वो मतलब हर शुक्रवार शनिवार को फिल्में देखते थे, एंड हैविंग सच काइंड ऑफ अ फादर यू नो इट हेल्प, क्योंकि आफ्टर सर्टन एज वो मुझे भी लेके जाने लगे। तो मैंने ऐसा है कि बचपन में मैंने मतलब एक दिन में दो दो तीन तीन फिल्में भी देखी है, अगर समझ लो कि एक शुक्रवार को दो या तीन फिल्में रिलीज हुई तो मैंने बैक टू बैक देखी है। ओके और उस वक्त पे मैं 2004-05 उस टाइम पे तो मतलब अहमदाबाद जहां से मैं हूँ वहां पे मल्टीप्लेक्सेस भी आ गए थे, तो मेरे लिए वो बहुत ही मतलब मैजिकल रहता था कि मतलब एक स्क्रीन में से निकले, नीचे वापस टिकट ली, दूसरे स्क्रीन में दूसरी पिक्चर देख ली, वापस टिकट लिया और तीसरे थिएटर में चले गए। मतलब राइट उसी एक कॉम्प्लेक्स में जहाँ पे तीन या चार थिएटर होते थे, हम लोग वो मतलब सुबह के निकलते थे और रात को घर जाते थे तीन फिल्में देख के। तो तब से मेरे को ऐसा हो गया था कि यार यू नो फिल्मों में ही कुछ करना है। और यूजुअली क्या होता है कि कोई भी फिल्म इंडस्ट्री में आता है या सपना लेके आता है ना, तो बहुत कॉमन सी चीज है, या तो वो एक्टर बनने आता है या तो डायरेक्टर बनने आता है। करेक्ट मैं डायरेक्टर बनने आया था। मैंने फिल्म स्कूल से भी डायरेक्शन का कोर्स किया, फिर मैंने जब शॉर्ट फिल्म्स खुद डायरेक्ट की तब मैंने वो खुद प्रोड्यूस की थी। मैं यूएस गया था पढ़ाई करने के लिए, तो वहां पे मुझे कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था, तो मैंने खुद ही प्रोड्यूस कर लिया, खुद ही थोड़े फंड्स अरेंज किए, तो खुद ही जुगाड़ कर लिया। तो मुझे वो प्रोड्यूसिंग का प्रोसेस भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ मतलब हम तो हमेशा सोचते थे डायरेक्टर डायरेक्टर, पर प्रोड्यूसिंग भी तो बहुत अच्छी चीज है। मैं फिर प्रोड्यूसिंग का पढ़ाई किया तुरंत जैसे डायरेक्शन का खत्म हुआ। उस टाइम पे मैं सोच रहा था यार बहुत सारे डायरेक्टर अल्टीमेटली तो प्रोड्यूसर ही बन जाते हैं, खुद का ही प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं, तो बोलता है कि हाँ वो भी सीखना जरूरी है। तो मैंने मन मना लिया, घर पे भी बोल दिया था कि मैं एक और साल मतलब पढ़ाई करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। और जब प्रोड्यूसिंग करने के बाद मैंने जब इंटर्नशिप लिया, तो मैं प्रोड्यूसर का एक वहां के यूएस में एक प्रोड्यूसर का असिस्टेंट हुआ करता था। तो वहां पे मेरा काम ही यही था कि मुझे दिन में एक स्क्रिप्ट पढ़नी है जो सबमिट हुई है, तो मैं हर रोज दिन की एक स्क्रिप्ट पढ़ता था और उसका रिव्यू लिखता था, और वो रिव्यू पढ़ के प्रोड्यूसर डिसाइड करता था कि उसको वो स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो ऐसा करते करते मेरे को 4-6 महीने में वहां पे इंटर्नशिप किया होगा, और मैंने उस 4-6 महीने में मतलब 100-150 तो मिनिमम स्क्रिप्ट पढ़ डाली थी, अच्छी बुरी, और उसमें से कई फिल्में एक्चुअली हॉलीवुड में बनी उसके बाद जो मैंने पढ़ी थी। तीन चार तो मतलब मुझे याद है, मैंने आर्गो का स्क्रिप्ट पढ़ा था, मैंने एक और स्क्रिप्ट पढ़ा था, डेलस बायर्स क्लब करके एक फिल्म है जिसको ऑस्कर मिला था, उसका स्क्रिप्ट मैंने उस वो सारी फिल्में बनने के एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो साल पहले पढ़ लिया था। तो मुझे वो स्क्रिप्ट राइटिंग के वो जो क्राफ्ट है उससे बहुत प्यार होने लगा। मैं गुजरात आया, गुजरात में मैंने देखा यार गुजराती इंडस्ट्री तो मतलब अभी थोड़ा फ्लरिश हो रही है, तो मैंने एक झट से एक फिल्म लिख डाली, और वो मेरा नसीब अच्छा था, किस्मत अच्छी थी कि वो फिल्म बन गई, वो फिल्म को नेशनल अवार्ड मिल गया, वो कुछ 22-23 साल बाद किसी गुजराती फिल्म को नेशनल अवार्ड मिला था। तो वो कुछ कुछ लोगों को यहाँ पे बॉम्बे में उस बात का पता चला कि एक गुजराती फिल्म आई है, वो अच्छा कर रही है, उसका एक नया राइटर है। उस टाइम पे हंसल सर स्कैम के लिए एक डायलॉग राइटर ढूंढ रहे थे जिसका गुजराती बैकग्राउंड हो, क्योंकि ओके उनको वो बहुत ऑथेंटिक गुजराती फ्लेवर चाहिए था। तो मैं तो एक्चुअली लिखता हूँ दोनों, मैं एक्चुअली स्क्रीन प्ले डायलॉग दोनों लिखता हूँ, पर मुझे मौका मिला डायलॉग लिखने का स्कैम के लिए, वो स्क्रिप्ट ऑलरेडी तैयार थी राइट और उनको वो ऑथेंटिक गुजराती फ्लेवर चाहिए था, तो मैं स्कैम के संवाद लिखे और स्कैम को बहुत ही अच्छा मतलब रिस्पॉन्स मिला। तो फिर मतलब तुरंत ही सर ने मेरे को स्कूप ऑफर कर दिया, मैं सास बहू फ्लेमिंगो के डायलॉग लिखने लगा। तो मतलब है अभी मैं थोड़ा थोड़ा अभी वापस स्क्रीन प्ले की ओर भी जा रहा हूँ, उससे एंड व्हाट अबाउट संवाद लिखने से डायरेक्शन, ना। जो जहां से शुरुआत हुई थी? ओके तो डायरेक्शन मुझे करना है पर फिलहाल नहीं, फिलहाल मैं ये एक जो एक फेज है राइटर का, आई विल कॉल माई सेल्फ राइटर, तो वो काफी इंजॉय कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है अलग अलग कहानियां कहने में, अलग अलग डायरेक्टरों के साथ काम करने में, अलग अलग प्रोडक्शन हाउसेस के साथ काम करने में मुझे मजा आ रहा है। तो अभी इतना राइट मैंने बहुत गहराई से सोचा नहीं है कि कब डायरेक्ट करना है क्या डायरेक्ट करना है,
अभी है, मतलब वक्त है, राइट right. शायद 3 4 साल ठीक है, बाद उसका भी छोटे अपना होकर वक्त आएगा. मे बी वेरी सून हम ऐसे एक प्रोजेक्ट पे इंटरव्यू कर रहे हो जो आपने डायरेक्ट किया है, लिखा है, हु नोज, लेट द यूनिवर्स डिसाइड. या बट आप ना बेहतरीन कहानियां कहते रहिए जिसका आपका आपको शौक है, क्योंकि आपकी कई कहानी सुनने में ऑडियंस को बड़ा मजा आ रहा है करण. सो विशिंग यू ऑल द लक फॉर ऑल योर फ्यूचर एंडेवर्स, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम फॉर दिस इंटरव्यू. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी निधि मैम, थैंक यू, बहुत मजा आया। मैं बहुत समय के बाद हिंदी में कुछ इंटरव्यू कर रहा हूँ, और आज तक मैं हिंदी सिर्फ लिखता आ रहा हूँ, बहुत टाइम बाद इतना अच्छे से बोलने का मौका भी मिला, तो The pleasure is अच्छा all है। ours once again, and thank you so much. Have a great day. थैंक यू, सेम लाइकवाइज, Bye. यू हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।